सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वट सावित्री व्रत कथा सुनने मात्र से मिलेगा 7 जन्मों का अखंड सौभाग्य। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। दिन व्रत करके वट वृक्ष का विशेष पूजन अर्चन करके परिक्रमा करती है और वट वृक्ष स्वरूपी ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करती है कि जिस प्रकार सती सावित्री को लंबी एवं अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करना। इसी प्रार्थना को लेकर के सुबह से व्रत किया जाता है तथा प्रातः सूर्योदय के पश्चात वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजन किया जाता है और पूजन करने के पश्चात वट वृक्ष की विधिवत परिक्रमा करते हैं और पूजन संपन्न होने के बाद में यह कथा सुनी जाती है। वट सावित्री की कथा सभी को सुनना चाहिए। स्त्री पुरुष और अन्य सभी लोग इसको सुन सकते हैं। जो भी इस कथा को सुनता है उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उसके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत कुमारी कन्या भी कर सकती है ताकि उसका होने वाला पति लंबी आयु वाला हो। साथ ही विधवा महिला या अन्य महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती है क्योंकि यह व्रत करने से जन्म जन्मांतर तक अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करती है और यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को यदि सच्ची निष्ठा से, सच्ची भक्ति से, सच्चे विश्वास से किया जाए तो पुण्य तो प्राप्त होगा लेकिन जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी तथा पति के ऊपर आने वाले संकट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे तथा उनके पति को दीर्घायुष्य प्राप्त होगा और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। वट सावित्री पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सभी महिलाएं जल्दी उठकर के स्नान करती है और स्नान करने के पश्चात 16 श्रृंगार धारण करती है तथा एक बांस की टोकरी में सभी पूजन सामग्री एकत्रित करके और वट वृक्ष के नीचे जा करके विधिवत पूजन करके परिक्रमा करती है और उसके पश्चात यह कथा सुनी जाती है। तो अब हम आपको वट सावित्री व्रत की जो दिव्य और प्राचीन कथा है वह सुनाने जा रहे हैं। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, ध्यान लगाकर, मन लगा करके सुनिएगा, तभी आपको इसके पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। यदि कोई व्रत नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से पूजन पाठ नहीं कर पाते हैं उनको भी यह कथा सुनना चाहिए जिससे पूजन का और व्रत का संपूर्ण फल उनको प्राप्त हो सकेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, धर्मराज भगवान की जय। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। एक समय की बात है जब महाराजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे आप ये बताइए कि द्रौपदी तो सती है लेकिन उससे भी बड़ी सती यदि कोई हुई हो तो आप कृपा करके उसकी भक्ति के बारे में मुझे ज्ञात करवाइए। मार्कंडेय ऋषि ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी और उस अश्वपति राजा के यहाँ कोई भी कन्या का जन्म नहीं हो पा रहा था, निसंतान था और निसंतानता के कारण वह बड़ा परेशान रहता था तथा उसने माँ गायत्री स्वरूपा सावित्री देवी की आराधना की और कईयों वर्षों तक यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म किए और तब जाकर के माता गायत्री सावित्री के रूप में प्रकट हुई
और राजा अश्वपति को वरदान दिया कि तुम्हारे घर पुत्री का जन्म होगा। माँ गायत्री की कृपा से उनके यहाँ पर एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ और राजा ने अपनी कन्या का नाम माँ गायत्री के नाम पर यानी सावित्री उसका नाम रख दिया गया। सावित्री बचपन से ही बड़ी भक्त थी, ज्ञानी थी, विद्वान थी और कई सद्गुण उनके अंदर विराजित थे। साथ ही दिखने में भी बड़ी सुंदर और सुशील थी। लेकिन राजा अश्वपति उस कन्या के लिए कोई भी वर नहीं खोज पा रहे थे। उस कन्या के वर के लिए और उसके विवाह के लिए राजा अश्वपति काफ़ी चिंतित रहते थे और बहुत समय जब व्यतीत हो गया तब एक दिन की बात है कि वह कन्या स्वयं अपना वर खोजने के लिए निकल गई। अपने वर की खोज में जाते जाते उसने निर्वासित और वनवासी राजा द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। राजा द्युमत सेन ने भी आज्ञा को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसी समय कुछ क्षणों के पश्चात देवर्षि नारद का वहां पर आगमन हुआ और नारद जी ने सावित्री से कहा कि हे सावित्री, तुम जो है इस सत्यवान के साथ विवाह मत करो, क्योंकि सत्यवान अल्पायु वाला है यानी कम उम्र में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम अल्पायु वाले पति का वरण मत करो। लेकिन सावित्री ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि जो कुछ भी होना है हो जाएगा, मैं मन ही मन संकल्प कर चुकी हूँ और सत्यवान का अपना को अपना सर्वस्व समर्पण करके पति रूप में मान चुकी हूँ। उसके माता पिता ने भी बहुत समझाया परंतु वह अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ में विवाह संपन्न हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा थे, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़ करके सत्यवान की कुटिया में जंगल में आ गई। आते ही उसके सारे वस्त्राभूषणों को त्याग करके सास ससुर और पति जैसे जंगली जैसे वन में निवास करते हैं ऐसे वस्त्र उसने धारण कर लिए, वलकल वस्त्र उसने धारण कर लिए, वैसे ही पहन लिए। अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में वह व्यतीत करने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ गया। सत्यवान प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे और उस दिन भी वो अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन है। सावित्री बड़ी चिंतित हो रही थी। सत्यवान कुल्हाड़ी उठा करके जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले गए। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी अपने पति के साथ में वन में लकड़ी लेने चली गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े परंतु तुरंत ही वृक्ष पर उन्हें चक्कर आने लगे और वे कुल्हाड़ी फेंक करके नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रख करके सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसने देखा कि भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी एवं भयंकर देव पुरुष को उसने अचानक उसके सामने प्रकट हुए देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी हुई बांधते हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर के आर्तस्वर में पूछा कि हे देव, आप कौन हैं तथा मेरे पति की आत्मा को और कहां पर ले जा रहे हैं? उन देव पुरुष ने उत्तर दिया कि हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो अतः मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरा नाम यमराज है और मैं साक्षात मृत्यु का देवता हूं और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, उसका समय पूरा हो चुका है, अतः मैं उसे बांध करके ले जा रहा हूं। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत इसको ले जाने के लिए नहीं आ सकते हैं, इसलिए मुझे स्वयं इसको लेने आना पड़ा। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने उनको बहुत मना किया कि मेरे पीछे मत आओ, विधि का विधान है, इसका तुमको पालन करना पड़ेगा, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। सावित्री ने कहा कि जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे ही जाना चाहिए, मैं भी इनके पीछे पीछे आने वाली हूं, अतः जहां तुम इनको ले जाओगे वहां मैं
आ जाऊंगी। यह सनातन धर्म है। यमराज के बार बार मना करने पर सावित्री बिल्कुल नहीं मानी, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर के यमराज ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दे दी, खोया हुआ राज्य भी उन्हें प्रदान कर दिया, उसके पिता को 100 पुत्र दे दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़ करके चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा कि यदि आप प्रसन्न है तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यमराज ने बिना सोचे समझे ही सावित्री को वरदान दे दिया और कहा कि तथास्तु, तुम्हें सत्यवान जैसे 100 पुत्र का जन्म होगा। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा कि आप तो मेरे पति को ले जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिए जा रहे हो, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं पति के बिना सुख स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की कामना नहीं करती हूँ। बिना पति के मेरा जीवन व्यर्थ है। अतः आपने मुझे जब पुत्रों का वरदान दिया है तो कृपा करके मुझे पति लौटाइए, तभी तो मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। बारंबार वह जिद करती रही। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को देखा और देखते ही कहा कि देवी, तुम्हारे सतीत्व के आगे आज मैं परास्त हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी यदि तुम बारंबार इस प्रकार कहती हो तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि देवी, विधि का विधान है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी और जो मृत्यु होगी वह वापस जन्म लेगा, यानी वापस इसका जन्म हो जाएगा। इसलिए देवी तुम जिद मत करो, मैं तुम्हारे पति के अलावा तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। लेकिन एक वट वृक्ष के नीचे यमराज और सती सावित्री का संवाद हुआ और सती सावित्री जिद पर अड़ गई, यदि तुम मुझे अपने पति नहीं लौटाओगे तो आज मैं अपने प्राणों का त्याग यहीं पर कर दूंगी। बारंबार जिद करने पर यमराज को सती सावित्री के आगे झुकना पड़ा तथा वरदान में यह भी कहा कि इस तिथि के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का कोई भी महिला यदि पूजन करेगी तो उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो जाएगा और उसके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस प्रकार वरदान देकर के और पुनः उसकी आत्मा को यानी उसके शरीर को जीवन दान देकर के यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से मृतक पति को पुनः जीवित कराया था, तभी से यह व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। वट पूजा से जुड़ी और भी कई मान्यताएं हैं। इस दिन वट वृक्ष का, क्योंकि वट वृक्ष जो है लंबी आयु वाला होता है, सारे जितने भी वृक्ष होते हैं उनमें लंबी आयु वाला वट वृक्ष होता है और वट वृक्ष में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास माना जाता है। इसीलिए वट वृक्ष के नीचे जो भी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के निमित्त पूजन पाठ करती है, उपवास करती है, व्रत करती है, उसके पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अतः सभी महिलाओं को वट सावित्री का व्रत करना चाहिए तथा वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए, जिससे उनके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उनको कई जन्मों तक अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। धर्मराज भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि सभी को वट सावित्री व्रत की यह पौराणिक कथा सुनने को मिल सके, जिससे उनको पुण्य की प्राप्ति हो और आपको भी पुण्य मिल सके, आपको और आपके पूरे